दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया ज़िले की बात करेंगे और इससे जुड़ी रोचक जानकारी, इतिहास व प्रमुख पर्यटन स्थलों के साथ पाए जाने वाले खनिजों को भी जानेंगे। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल PN नॉलेज में। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित उमरिया ज़िले का गठन 6 जुलाई 1998 को हुआ था, जो शहडोल संभाग में आता है। उमरिया ज़िला मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल, डिंडोरी व कटनी ज़िलों से घिरा हुआ है, जिसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 150 किलोमीटर व पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई लगभग 60 किलोमीटर है। उमरिया ज़िले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4548 वर्ग किलोमीटर व समुद्र तल से ऊंचाई 538 मीटर है। उमरिया ज़िला 1998 में अलग होने से पहले शहडोल ज़िले का हिस्सा था। यहाँ पर लोधी राजपूतों का शासन था, जिन्होंने अपने शासनकाल में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया था। मंदिर का प्रवेश द्वार इतना बड़ा था कि उससे हाथी भी मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकता था, जिस कारण से इस द्वार को हाथी दरवाजा भी कहते हैं। बाद में रीवा के महाराजा विक्रमादित्य के वंशज ठाकुर रणमत सिंह जूदेव ने इस पर आक्रमण करके अपने कब्जे में ले लिया और 17वीं शताब्दी के आसपास दक्षिणी रीवा रियासत की राजधानी बना लिया। उमरिया ज़िला घने जंगलों और बाघों के कारण राजाओं का पसंदीदा शहर भी था। बांधवगढ़ के जंगल रीवा के राजाओं का शिकार करने का स्थान भी था। 2011 की जनगणना के अनुसार उमरिया ज़िले की जनसंख्या 6,44,758 थी, जिसमें 3,30,674 पुरुष व 3,14,084 महिलाएं हैं, जिसमें लगभग 83% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। उमरिया ज़िले में 7 तहसीलें बांधवगढ़, मानपुर, पाली, चंदिया, नौरोजाबाद, करकेली व बिलासपुर तथा 3 विकास खंड करकेली, मानपुर व पाली हैं। उमरिया ज़िले में 683 गांव हैं। उमरिया ज़िले में बहुत ही व्यापक जंगल है। ज़िले के कुल क्षेत्रफल का लगभग 42% भाग केवल वनों से आच्छादित है। कृषि के क्षेत्र में यहाँ धान का बहुतायत मात्रा में उत्पादन होता है, जिसका दूसरे राज्यों में निर्यात भी किया जाता है। इसके अलावा यहाँ सहजन का भी बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, जिसका निर्यात अन्य ज़िलों में किया जाता है। उमरिया ज़िला खनिज संसाधनों से भी समृद्ध है। ज़िले में मुख्य रूप से पाए जाने वाला महत्वपूर्ण खनिज कोयला है, जिस कारण यहाँ पर साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की 8 खदानें संचालित हैं। भारत सरकार द्वारा उमरिया ज़िले में कोयला खनन 1881 में चालू किया गया था। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला खनन केंद्र उमरिया का कोयला क्षेत्र ही है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 15.5 वर्ग किलोमीटर तथा चौड़ाई 1.5 मीटर से 2.5 मीटर है। उमरिया ज़िले से होकर मुख्य रूप से सोन, जोहिला व छोटी महानदी बहती है। उमरिया ज़िले के बीरसिंहपुर में संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट स्थापित है, जिसके लिए पानी जोहिला नदी पर निर्मित जोहिला बांध से लिया जाता है और कोयला साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की खदानों से रेल द्वारा आता है। इस पावर प्लांट से 1340 मेगावाट की बिजली बनती है। उमरिया ज़िले में लाख से चपड़ा बनाने का सरकारी कारखाना है। उमरिया ज़िले के प्रमुख पर्यटन स्थल बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में स्थित है। यह 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा है। पार्क में लगे साल और बंबू के वृक्ष इस उद्यान की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए दुनिया भर में विख्यात है। यहाँ पर बाघों के अलावा चीतल, सांभर, बार्किंग डियर, नीलगाय, चिकारा, जंगली सुअर,
चौसिंघा, लंगूर, रीसस, तेंदुआ, भेड़िया, सियार, भालू, स्याही, भारतीय पेंगोलिन व अनेक जंगली जीव तथा 250 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। बांधवगढ़ का किला। उमरिया जिले के बांधवगढ़ तहसील में समुद्र तल से 2430 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर प्राकृतिक अभेद्य बांधवगढ़ का किला स्थित है। बांधवगढ़ का अर्थ होता है भाई का किला। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को इस किले से वंचित कर दिया था, जिस कारण इसका नाम बांधवगढ़ हो गया। किले के आधार पर भगवान विष्णु की सात मुख वाले सांप के साथ मूर्ति है, जिसे शेषशय्या के नाम से जाना जाता है। इनके अलावा यहां भगवान विष्णु के सभी अवतारों की मूर्तियों को देखा जा सकता है। यह किला 32 मानव निर्मित गुफाओं से घिरा हुआ है, जिनमें शिलालेख, नक्काशी और पेंटिंग हैं। चंदिया खास का मंदिर। चंदिया उमरिया जिले से लगभग 21 किलोमीटर दूर उमरिया कटनी मार्ग पर स्थित है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान कालिका देवी का मंदिर है। यहाँ पर भगवान राम और सीता माता का भी एक पुराना मंदिर है। चंदिया से 13 किलोमीटर दूर धौर खोह में एक हनुमान मंदिर भी है, जो प्रसिद्ध है। इनके अलावा बिरसिनी माता मंदिर, शेषशय्या, पानपाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, बांधवगढ़ ऐतिहासिक गुफा, बघेल संग्रहालय, ज्वालामुखी मंदिर व कबीर पंथ की गंगोत्री आदि प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थल हैं। उमरिया जिले के प्रमुख त्यौहार जवारा, मुहर्रम, कबीर पंथी मेला। मुहर्रम के दिन यहाँ पर भारत के अलग अलग क्षेत्रों से पर्यटन आते हैं। उमरिया जिले का प्रमुख व्यंजन लौंगलता, कचौड़ी व समोसा है। उमरिया जिले की साक्षरता दर 67.34% है और लिंगानुपात 953 है, यानी 1000 पुरुषों में 953 महिलाएं हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।